सब्सक्राइब करें इंडियन हॉर्सेस चैनल को, बेल बटन का आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। नमस्कार, मैं हूं लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की फाइनल प्रिपरेशन जो फैजाबाद रेस के लिए तैयार किया गया है। और इस वीडियो को देखकर आपको कुछ अंदाज़ा ज़रूर मिल जाएगा कि ये घोड़ा कहां तक चल सकता है और इसकी चाल इस समय कितनी है। और जो सॉन्ग फरमाया गया है शायद वो भी आपको पसंद होगा। और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस की रफ्तार को लेकर मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो ज़रूर आएगी, उसमें एक छोटी सी झलक इसके पूरे पावर की रहेगी। तो आशा है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में ये आपको कुछ लिखने के लिए या कुछ इशारा करने के लिए ज़रूर झकझोर देगी। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक का वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कुछ बातें आपको इसमें पसंद आएँ और कुछ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मजबूर करें। तो इस घोड़े की रफ्तार और पूंगा यादव की सवारी आपने कई जगह रेसों में देखी होगी और फैजाबाद की रेस इस बार काफ़ी चर्चित भी है, क्योंकि पूरे यूपी और बिहार और मैं कहूँ तो पूरे इंडिया से भी काफ़ी घोड़े यहाँ पे आए हैं जो अन्य राज्यों से हैं। तो इसलिए भी ये रेस काफ़ी खास है कि यहाँ पे इस बार बाजी किसके हाथों में जाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और सभी के मन में इसके लिए उत्सुकता भी ज़रूर होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी एड़ी से चोटी तक लगाना पड़ता है इस घोड़े पे, उसके बाद ये घोड़ा अपनी रफ्तार से आपको रूआबरू कराता है। तो ये पूरी फुल प्रैक्टिस पूरे दिन की है जिस समय इस घोड़े को दौड़ाया जा रहा था और उसी समय इस क्लिप को बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगी। अगर फैजाबाद की रेस की बात करें तो ये सरफराज खान के द्वारा आयोजित कराई जाती है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो फैजाबाद से आप जुबेरगंज जाइए जहाँ भैंसों का विशाल मेला लगता है जो उनके पिता के द्वारा शुरू किया गया था जुबेर खां के, और वहीं पे ये रेस भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। रेस की छवि काफ़ी साफ सुथरी है 3 वर्षों से लगातार, और इस वर्ष आप देखिए इस वर्ष भी साफ सुथरी रेस होनी चाहिए। यहाँ पर सेमीफाइनल राउंडों को लेकर भी काफ़ी जगह आप देखते ही हैं कैसे बेईमानी की जाती है, पर यहाँ ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सभी घोड़ों को यहाँ पे जाने का मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मौका वहाँ की कमेटी ज़रूर देगी कि जितने भी अच्छे घोड़े जुटे हैं उनको छाँट कर और सेमीफाइनल के अन्य ग्रुपों में रखा जाएगा, जिससे कि सभी चलने वाले घोड़े फाइनल में जगह बना पाएँ और उनके साथ न्याय हो और काफ़ी अच्छे रेफरी इस बार ग्राउंड के बीच नज़र आएंगे, क्योंकि इस बार की रेस का काफ़ी बड़ा महत्व है और ये चीज़ें सरफराज खान की कमेटी को समझना चाहिए और इस बार की कमेटी काफ़ी टाइट बनानी चाहिए। और इस बार काफ़ी सिंधी घोड़े भी वहाँ पे पहुँचे हैं और चौताले दोनों का मिक्स वहाँ पे रेस होने वाली है, तो इसलिए काफ़ी अनुभवी लोगों को ही बीच में रहना चाहिए जो अच्छे से निर्णय ले सकें। देखिए कितनी शानदार में घोड़ा चल रहा है और ख़ास बात देखिए, कोड़ा भी लगने पे घोड़ा एक बार बिगाड़ नहीं सकता है, अपनी उसी रफ्तार को और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पोंगा यादव के कदम आप जो देख रहे हैं जो घोड़े पर बैठे हुए अपनी एड़ी से चोटी लगा चुके हैं। और फैजाबाद के बाद तुरंत 4 तारीख को अंबेडकर नगर में भी एक रेस है, वहाँ पे भी हीरो होंडा मोटरसाइकिल प्रथम के लिए इनाम रहता है। अब तक तो 3 वर्षों तक लगातार फैजाबाद की रेस में भी हीरो होंडा मोटरसाइकिल ही प्रथम आने वाले विजेता को पुरस्कार दिया जाता था। इस बार देखिए पुरस्कार क्या होता है, अनुमान यही है कि मोटरसाइकिल ही इस बार भी इनाम में रखी गई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस की व्यवस्था करते हैं जो आपको पसंद आए। तो काफ़ी सारे घोड़े भी इस बार जुट चुके हैं और रफ्तार की अगर हम बात करें तो ये रफ्तार आपको कुछ और भी देखने को रेस में ज़रूर मिलेगी। और जो ये धूल पीछे से उठती है, ये धूल उठाने में घोड़े के घुड़सवार को और घोड़ों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये धूल जब उड़ती है तो ये कुछ इशारा ज़रूर करती है।
और पूरी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इस घोड़े में कुछ कमी रह गई थी या इसकी तैयारियां में पूरी तरह से घोड़ा फिट है। और देखिए मैदान पे उस दिन अपने रंग को कितना उतार पाता है और पोंगा यादव भी अपने उस अंदाज को और अपने उस जलवे को कहां तक बरकरार रखते हैं ये तो 30 तारीख को ही पता चलेगा। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ ज़रूर पहुँचिए और पूरे मेले का लुत्फ़ उठाइए क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रेस में। और घोड़ों का झुंड जुट चुका है वहाँ पे फैजाबाद में लड़ाई लेने के लिए और सारे घोड़ों की रिहर्सल वहाँ पे जोर शोरों पे चल रही है। ये भी घोड़ा एक दो दिन के अंतर में वहाँ पहुँच जाएगा और 30 तारीख को सभी घोड़े आपको वहाँ पे दिखेंगे मैदान में टक्कर लेते हुए। तो ज़रूर वहाँ पहुँचिए भारी से भारी संख्या में और उस रेस का हिस्सा बनिए। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये शुरुआत की क्लिप है, पीछे की जो आपने क्लिप देखी वो सेकेंड राउंड की क्लिप थी, ये प्रथम राउंड की क्लिप है जब घोड़ा मैदान में उतरता है और उसकी रिहर्सल स्टार्ट कराई जाती है और उसके बाद रोक कर फिर दो से चार चक्कर पांच चक्कर उस समय दोहराया जाता है। देखिए लगातार हंटरों की बरसात हो रही है पर यह घोड़ा चिटक नहीं सकता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये चौताला में ही घोड़ा शुरू से अपने लास्ट दम तक चलते ही रहता है, कभी भी ये फाउल घोड़ा तो चला ही नहीं है। तो वीडियो का भरपूर मज़ा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उस राउंड में ये घोड़ा काफ़ी रंग में रहता है, आगे वाले राउंड में यहाँ थोड़ा सा घोड़ा मोड़ काफ़ी ज़्यादा हैं और छोटे छोटे हैं तो इसीलिए घोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे स्लो दिखता है आपको। तो इस फैजाबाद की रेस में कितने लोग इंडियन हॉर्सेस चैनल के जो दर्शक हैं हमारे मित्र हैं वो उसमें से कितने लोग पहुंच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा। और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के रफ्तार के बारे में और किस घोड़े पर आपको सबसे ज़्यादा अंदाज़ा है कि वो बाजी मार सकता है उसका नाम भी नीचे कमेंट